सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर आए दिन कोई न कोई केस दर्ज हो ही जाता है और एक बार फिर आजम खान पर एक और आरोप लग गया है। दरअसल आजम खान और उनके भाई शरीफ खान पर अपने घर के आगे की सड़क पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा है। आजम खान पर आरोप है कि उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। आरोप है कि उनके सुरक्षा कर्मी घर के आगे सड़क पर टेंट लगा कर रहते हैं, जिससे रास्ता बंद हो जाता है और आम लोगों को निकलने में परेशानी होती है। पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली ने पिछले दिनों डीएम को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि सपा नेता आजम खान और उनके भाई शरीफ खान ने घर के आगे की सड़क पर कब्जा कर रखा है, जिसके बाद एएसपी के आदेश पर नगर पालिका के ईओ ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर 2 कार्य दिवस में रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पहले उनकी विधायकी रद्द हुई और फिर उनके वोट देने के अधिकार पर रोक लग गई। अब एक और नए मामले के आ जाने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आजम खान की मुश्किलें किस दौर से गुजर रही हैं।